केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स में हम लोगों ने अभी तक हुफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, हुफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, मैनिक्स रिएक्शन इन सारे को कर लिया है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो देखिए। आज हम लोग एसाइलेशन रिएक्शन करने जा रहे हैं कि ये रिएक्शन क्या है, कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो ये क्या है, एसाइलेशन रिएक्शन जो है वो एलिफैटिक एंड एरोमेटिक दोनों तरह के एमीन जो 1 डिग्री हो या 2 डिग्री एमीन जो होते हैं वो ये रिएक्शन देते हैं, यानी कि 3 डिग्री एमीन या टर्शियरी एमीन जो होगा वो एसाइलेशन रिएक्शन नहीं करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड और या इस्टर। तो ये जो एसिड क्लोराइड है इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, CH3, मतलब ये COCl ग्रुप जो होता है इसे हम लोग कहते हैं एसिड क्लोराइड ग्रुप। एनहाइड्राइड ग्रुप में क्या होता है, ये C डबल बॉन्ड O ये होना चाहिए। और इस्टर ग्रुप में क्या होता है, किसी एसिड से कोई अल्काइल ग्रुप जुटा होता है। यहाँ पे मैंने उसका एक एग्जाम्पल लिया, ये क्या है, ये सारे तीनों जो है ये एसिड क्लोराइड का एग्जाम्पल है, ये एनहाइड्राइड का एग्जाम्पल है एंड ये इस्टर का एग्जाम्पल है। इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें एक बेस की जरूरत होती है। तो हम लोग जानते हैं कि एमीन ऑलरेडी एक बेस होता है, तो हमें ऐसे बेस को लेना होता है जो कि एमीन से ज्यादा बेसिक हो। इसलिए हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं पीरिडीन को लेने के लिए। अब ये जो रिएक्शन जो होता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होता है, क्योंकि एमीन जो होता है उसके पास लोन पेयर होता है तो एज ए न्यूक्लियोफाइल ये एक्ट करता है और ये जो रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब देखिए, इन सारे रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमें बनता है वो होता है एमाइड। ये क्या है, ये हम लोगों का रिएक्टेंट है, ये क्या है, ये रिएजेंट है और किसके प्रेजेंट में होता है, बेस के प्रेजेंट में, यानी कि ये पिरिडीन क्या है, बेस है। किस तरह का रिएक्शन है, एसाइलेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलता है वो होता है एमाइड। एसाइलेशन में हमें एमाइड मिलता है। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे एसाइलेशन रिएक्शन का लिया है, जैसे कि एक 2 डिग्री एमीन मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे क्या है, एमीन के जो अमोनिया होता है NH3 उसके 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है, किससे, इथाइल ग्रुप से। जब वो एसिड क्लोराइड से, ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड होगा, ये जो है उससे रिएक्ट करेगा, यहाँ कितने कार्बन है, 1 एंड 2। तो ये जब रिएक्ट करेगा इससे बेस के प्रेजेंट में तो एमाइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे 2 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं किससे, नाइट्रोजन से, और ये जो एसाइल ग्रुप है इसका क्लोरीन हट जाएगा और ये आके जुड़ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि CONH2 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइड ग्रुप। किसे एमाइड ग्रुप कहा जाता है, C डबल बॉन्ड O NH2 अगर हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन जो ये NH2 ग्रुप है इसके हाइड्रोजन को क्या किया गया है, इथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया गया है। तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर ये इथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गया तो ये क्या हुआ, ये एमाइड तो नहीं है, CONH2 ग्रुप तो नहीं दिख रहा है। नहीं, यहाँ हाइड्रोजन को क्या किया गया है, इथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया गया है। ये क्या है, ये एक एमाइड ही है और HCl का फॉर्मेशन होगा। अगर इसका नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, चूंकि नाइट्रोजन से डायरेक्ट क्या अटैच है, ये दोनों इथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए इसका नाम हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे NN डाई इथाइल। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 एंड 2, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग इथ यूज करते हैं तो इथेनामाइड होगा। उसी तरह से यहाँ पे ये क्या है, एक एलिफैटिक एमीन है, ये एलिफैटिक 2 डिग्री एमीन है। एक एरोमेटिक एमीन मैंने लिया, ये एनिलीन लिया, इसका रिएक्शन यहाँ पे हम लोगों ने चूंकि देख लिया है एसिड क्लोराइड से तो एनहाइड्राइड से भी करके देखते हैं क्या मिलता है। अगर इथेनोइक एनहाइड्राइड से करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक पीरिडीन तो क्या मिलेगा, हमें एमाइड मिलेगा। और इस एमाइड का अगर नाम हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप है C6H5, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो ग्रुप है अटैच है यहाँ पे इस डायरेक्ट नाइट्रोजन से, तो क्या लिखेंगे, एन फिनाइल। और यहाँ पे और कितने कार्बन है, 1 and 2 इथेनामाइड। यहाँ पे नेमिंग में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्यों, केवल क्या है यहाँ पे इथाइल ग्रुप था तो इथाइल नाइट्रोजन से, यहाँ फिनाइल ग्रुप है तो फिनाइल, एन फिनाइल इथेनामाइड। और ये वाला जो ग्रुप होता है पूरा ये बाहर निकलता है और एक एसिड का फॉर्मेशन करता है, यहाँ आके एक एच जुट जाता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, एसिड क्लोराइड जो लिया था वो एलिफैटिक है क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो मैंने 1 degree एमीन ले लिया है। ये कैसा एमीन है, एलिफैटिक। और इसके साथ बेंजोइल क्लोराइड का यानी कि एक एरोमेटिक एसिड क्लोराइड का रिएक्शन कराया जब इन द प्रेजेंस ऑफ पीरीडीन, तो क्या हुआ है, हमें एमाइड मिला है और HCl, जैसे सेम केवल सब्सटेंस चेंज हुआ है, कोई अंतर नहीं है। जैसे हमें यहाँ एमाइड मिला था वैसे ही यहाँ भी एमाइड मिला है, केवल अंतर क्या है कि ये वाला ग्रुप जो यहाँ पे क्या था, अल्काइल ग्रुप एलिफैटिक है, यहाँ पे क्या है, एरोमेटिक है, और कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप एड है, इसलिए कोई अंतर नहीं, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना आपके जब एग्जाम में आएगा, तो इन दोनों को जोड़ के और यहाँ पे एक बेस दिया रहेगा और आपसे प्रोडक्ट पूछा जाएगा। तो अगर 1 degree एमीन लिया जाए और उसको बेंजोइल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें एक एमाइड मिलेगा। और इस एमाइड का अगर हम नाम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि नाइट्रोजन से डायरेक्टली कौन अटैच है, ये मिथाइल ग्रुप, देन हम लोग लिखेंगे एन मिथाइल, और ये क्या है, पूरा बेंजीन रिंग है, तो बेंजेनामाइड, और HCl निकला है। सेम ना, नेमिंग में आपको कंफ्यूज होना है और ना ही आपको इस रिएक्शन में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। केवल क्या करना है, इस क्लोराइड क्लोरीन को निकाल के और इसके एच को निकाल के, जो भी एमीन रहेगा उसके एच को निकाल के, अगर 2 degree एमीन है तो एक एच है तो वही निकल सकता है, और अगर प्राइमरी एमीन है 1 degree एमीन है तो 2 H होगा, यहाँ पे 2 H रहेंगे नाइट्रोजन के साथ अटैच, उसमें से एक एच को निकाल के HCl के रूप में बाहर निकाल देना है और यहाँ पे लाके ऐड कर देना है नाइट्रोजन को, और आपका एमाइड जो है वो फॉर्म कर जाएगा। अब ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है इसे हम लोग देखते हैं। क्या एग्जाम्पल में लिया था, पहला जो एग्जाम्पल था उसमें 2 degree एमीन लिया था और उसका रिएक्शन हम लोगों ने कराया था किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। तो C2H5N इस पे क्या था, लोन पेयर रहता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे C2H5, इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया था एसिड क्लोराइड से, कौन सा था, CH3CO एंड CA। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये जो कार्बन है इसके दोनों तरफ, ये भी ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव। ये ऑक्सीजन क्या करता है, पहले अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करता है फिर बैक बॉन्डिंग के द्वारा वापस भेजता है। दो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ होने के कारण यहाँ पे एक डेल्टा प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। जब डेल्टा प्लस चार्ज जनरेट होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को देगा और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ये क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण Cl- के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, C2H5NH। इस N पे एक प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दिया है, और यहां पे C, यहां डबल बॉन्ड O एंड CH3। यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं हुआ है, ये क्या हुआ, इस पर डेल्टा प्लस चार्ज है तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो जाएगा कहां, वैसे ही स्पीसीज के पास जा सकता है जहां इलेक्ट्रॉन, किसी को अगर चाहिए तभी तो दे सकता है ये नाइट्रोजन, तो ये देगा
और क्या होगा, यहाँ आके बॉन्ड बनाएगा। जब अपना इलेक्ट्रॉन जो ये दे दिया है नाइट्रोजन, इस पे प्लस चार्ज आएगा। अब इसके पास चूंकि एक हाइड्रोजन है, तो इससे क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ये लेगा अपने प्लस चार्ज को हटाने के लिए, तो ये एच प्लस के रूप में निकलेगा। और जो रिएक्शन मिक्सचर में ये सीएल माइनस है उसके साथ मिलके ये क्या बना देगा, एच सी एल। और नया जो यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म करेगा वो क्या होगा, इसके पास अपना लोन पेयर रिटर्न बैक हो जाएगा सी टू एच फाइव एन, यहाँ पे लोन पेयर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री एंड एच सी एल। यही तो हमारा पहला प्रोडक्ट था। और इसके साथ एक और सी टू एच फाइव है जो यहाँ छूट गया है सी टू एच फाइव एंड यहाँ भी सी टू एच फाइव। इसका नाम हम कैसे लिखे थे हम लोगों ने, एन एन दो बार इसके साथ जुड़ा है एन एन डाइथाइल इथेनामाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है इसलिए। नेक्स्ट जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है वो क्या लिया है, एनहाइड्राइड का। वो कैसे बना उसे देखते हैं। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो क्या था, सी सिक्स एच फाइव और सी सिक्स एच फाइव एंड क्या है एग्जाम्पल, एन एच टू, एनिलीन था। ये किससे रिएक्ट कर रहा था, एनहाइड्राइड से। कौन से एनहाइड्राइड से, इथेनोइक एनहाइड्राइड से। अब देखिए कुछ ऐसा ही कंडीशन यहां पे भी नहीं है। ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन जो है या ये कार्बन जो है दोनों एक जैसा है, इसके दोनों के पास इन्वायरमेंट एक जैसा है। इसके पास क्या है, दोनों साइड में इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। इस कार्बन के पास भी यही है, दोनों साइड में इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। कौन, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। उसके बाद ये बैक बॉन्डिंग भी करता है तो बैक बॉन्डिंग भी करेगा। सेम कंडीशन यहां पर भी रहेगा, तो दोनों में से किसी को भी हम रिएक्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे एक डेल्टा प्लस चार्ज जनरेट होगा और ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को यहाँ देगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट के बाहर निकल जाएगा सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस के रूप में। किस रूप में, सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस के रूप में निकल जाएगा। ये स्टेबल होता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी सिक्स एच फाइव एन पे प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये प्लस चार्ज। और यहाँ पे इसके पास दो हाइड्रोजन है और क्या जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O एंड सी एच थ्री। अब चूंकि पहले वाले में जैसे हम लोगों ने किया था सेम चीज होगा, ये अपने इसी हाइड्रोजन से अपने बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये H प्लस के रूप में निकल जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, इसका लोन पेयर आ जाएगा। और तो क्या बनेगा, आगे देखिए, सी सिक्स एच फाइव एन, यहां एच एक रहेगा, लोन पेयर इसका आ गया, देन सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। और ये जो सी एच थ्री सी ओ माइनस हमारे रिएक्शन मिक्सचर में है वो इस एच प्लस को ले लेगा, क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, सी एच थ्री सी ओ ओ एच इथेनोइक एसिड। और यहाँ पे क्या, एक और जो रिएक्शन मिक्सचर में जरूरी चीज है वो है बेस, ये होना ही चाहिए तभी ये रिएक्शन का ये कंडीशन है कि पीरीडीन हो, बेस ऐसा बेस हो जो इससे ज्यादा मजबूत हो। यहाँ पे अगर 2 डिग्री एमीन हमने लिया है तो यहाँ पे बेस इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। नेक्स्ट जो हम लोगों ने एक एरोमेटिक एमीन का एलिफैटिक एमीन का और एरोमेटिक एसिड क्लोराइड का एग्जांपल लिया था, वो भी सेम इसी तरह से रिएक्शन होगा, उसे भी हम लोग देखते हैं वो कैसे है। सी एच थ्री एन एच टू यही था, और क्या था, बेंजोइल क्लोराइड था, सी एच थ्री सी ओ सी एल, यही था एग्जाम्पल में। सॉरी यहां पे सी एच थ्री नहीं था, सी ओ सी एल। तो जैसे हमने वो रिएक्शन कराया था वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होगा। इस कार्बन पर डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा और ये क्लोरीन जो है सीएल माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, ये एनएच टू यहां से जाके जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, सी एच थ्री एन, यहाँ एक एच
और एक यहाँ एच अपना इलेक्ट्रॉन इसने दिया इसलिए प्लस चार्ज एंड क्या जुड़ेगा सी डबल बॉन्ड ओ एंड यहां पे क्या आ जाएगा ये एरोमेटिक रिंग आ जाएगा। अब क्या होगा सेम जैसे यहां पे इसने क्या किया था यहां पे ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को लिया था यहां पर भी क्या करेगा ये अपने इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और क्या बनाएगा यहां से सीएल माइनस बाहर निकला है उसके साथ ये एच प्लस एच सी एल बना देगा और क्या बनेगा जो लास्ट में हमें एमाइड मिलेगा सी एच थ्री एन एच यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एंड यहाँ पे बेंजीन डी ये एमाइड हमें मिलेगा और प्लस एच सी एल होगा। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म इसका काफी इजी है कुछ नहीं करना। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई कहीं भी कोई किसी तरह समझने में आपको दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताएं। एक बार फिर मैं इसको बताती हूँ क्या होना है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर डेल्टा प्लस चार्ज जनरेट कर रहा है इस कार्बन पर क्यों इस दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के कारण। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देखे बॉन्डिंग बना लिया अब इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्लस चार्ज आ गया तो अपने ही हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को ये तोड़ देगा और यहाँ पे फिर से लोन पेयर जनरेट हो जाएगा। अब ये जो होगा ये अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा ये एच प्लस के रूप में या हाइड्रोजन जब बाहर निकलेगा तो जो रिएक्शन मिक्सचर में सीएल माइनस निकला हुआ है उसके साथ मिलके एचसीएल का फॉर्मेशन कर देगा। सेम चीज हर जगह यही हो रहा है जब हम एनहाइड्राइड भी ले रहे हैं तो क्या हो रहा है एनहाइड्राइड में भी हमें ऐसा कार्बन मिल जा रहा है जिसके दोनों तरफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है जिसके कारण इस कार्बन पर डेल्टा प्लस चार्ज जनरेट हो जा रहा है और ये नाइट्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है। देने के बाद क्या हो रहा है सी एस थ्री सी ओ माइनस जो है इस रिएक्शन मिक्सचर में चला जाएगा और ये नाइट्रोजन जो है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा तो अपने को स्टेबल करने के लिए नाइट्रोजन अपने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड को तोड़ देता है और ये हाइड्रोजन एच प्लस के रूप में बाहर निकलता है जो सी एस थ्री सी ओ से मिलके एसिड का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे ये सारा जो है ग्रुप ये एमाइड का फॉर्मेशन करेगा कैसे सी सिक्स एच फाइव एन एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री के रूप में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे रिएक्शन का आई मीन के जो और अदर्स रिएक्शन है उसको देखेंगे। थैंक यू।